मैं हूं दिलजीत कौर। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। स्नातक प्रथम वर्ष गणेश के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण मामले में जांच के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची एसटीएफ टीम। लगभग घंटों हुआ गहन मंथन, जल्दी होगा खुलासा। आईजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैंक अधिकारियों की बैठक, कहा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल स्थापित करके कार्य करें अधिकारी। गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन के प्रबंध समिति का चुनाव 24 और 25 को। शनिवार को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। रेलवे महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित। डाक विभाग कर्मियों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी, सीओ ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों का करे पालन, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है दुर्घटना का कारण। ग्राम स्वराज अभियान में चयनित गांव में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की भारत सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी पीएन शुक्ला ने दी जानकारी। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा चैन सिंह मंदिर में स्थापित हुआ भगवान हनुमान की प्रतिमा। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी एमएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। अब खबरें विस्तार से। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में स्नातक प्रथम वर्ष गणित के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच की कमान अब पूरी तरह से एसटीएफ टीम ने संभाल ली है। शुक्रवार को एसटीएफ टीम अपने पूरे दल बल के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची, जहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित सहित कई अन्य शिक्षक और एसटीएफ टीम के बीच लगभग 3 घंटे तक बैठक हुई। प्रशासनिक भवन में एसटीएफ लखनऊ से आए एक वरिष्ठ अधिकारी तथा विश्वविद्यालय के आंतरिक जांच समिति ने लगभग 6 घंटे तक केंद्रों से वापस मंगाए गए गणित प्रश्न पत्र के पैकेटों का बारीकी से निरीक्षण किया। बैठक में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण पर गंभीर चर्चा भी हुई। स्नातक प्रथम वर्ष गणित प्रश्न पत्र लीक प्रकरण मामले में जल्द ही खुलासा होने की चर्चा जोरों पर है। बैंकों में कार्यरत कर्मचारी और उपभोक्ताओं में तालमेल स्थापित करके उसे सुचिता पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से आईजी रेंज नीलामजा चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया, जिसमें लीड बैंक SBI, PNB, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पूर्वांचल बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक संबोधित करते हुए आईजी ने कहा कि बैंक एवं बैंकों में आने वाले ग्राहकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। बैंक में अपनी धनराशि जमा करते समय, ग्राहक द्वारा पैसा निकालते समय ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अराजक तत्व से बैंकों व ग्राहकों को सुरक्षा किया जाए, ताकि ग्राहक व बैंक प्रबंधक के बीच तालमेल बना रहे। इलाहाबाद बैंक को भी
और कौन सा बैंक है? यूपी ज्यादा कैश पेमेंट रेशियो में गड़बड़ी आईसीआईसीआई बैंक और छोटे छोटे इंटर ब्रांचेस में होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कलर भेजे। आप लोग का इसलिए कष्ट देना पड़ा क्योंकि विगत करीब मेरा गोरखपुर में करीब साल भर के जो अनुभव रहा है उसमें मैंने ये महसूस किया कि बैंकिंग सेक्टर और उससे रिलेटेड जो कस्टमर है मतलब उनके साथ या बैंक में भी फ्रॉड्स और जो क्राइम्स है चाहे वो लूट हो चाहे अन्य तरीके के इकोनॉमिक फ्रॉड हो एटीएम फ्रॉड हो उसकी संख्या गोरखपुर में दिन के दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आज ये हम लोग इस गोष्ठी को इसलिए बुलाए थे कि एक आपस में एक चर्चा कर लें कि बैंक के सुरक्षा उसके साथ साथ बैंक के उपभोक्ता जो है उनकी भी सुरक्षा कैसे किया जा सके और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी बैंकिंग में रिजर्व बैंक गाइडलाइंस के तहत दिया गया है उसका अनुपालन हम लोग सब लोग ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर अनुपालन में कोई दिक्कतें आ रही है तो क्या है और हम लोग के स्तर से और कौन कौन सी मतलब बिंदु पर कार्रवाई अपेक्षित है आप लोग के स्तर से या कुछ अपेक्षा हम लोग की भी आप लोगों से वो भी एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। अच्छी बात है स्ट्रीट में मैनेजर सर उपस्थित हैं तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि फिर चर्चा को थोड़ा शुरू कराए कि मैं हम ही लोग बोलना शुरू करेंगे और आप लोग सुनेंगे तो ये मोटा मोटा चार पांच बिंदु है इसको आप अगले 10-12 मिनट थोड़ा इस डिस्कशन को थोड़ा मॉड्यूलेट करिए। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ समझ गया कैसे बोल रहा हूँ तो मैं फोरम आपके लिए पहले ओपन छोड़ता हूँ तो बोलिए खुल जाती है तो किससे शुरू करेंगे? कस्टमर को यह भटकना पड़ता है इस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं मिसगाइड हो जाते हैं कुछ कस्टमर जो इलिटरेट है वो दूसरे को ले लेते हैं जहाँ भीड़ जाते हैं और दूसरे जो जितने भी रिजर्व बैंक के सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हमारी सभी ग्रांच रखा हुआ सभी में इन आर्डर है चाहे वो सी सी टी वी कैमरा हो चाहे ग्लास सिस्टम हो चाहे वो पुलिस गार्ड की भी हो आरबीआई गाइडलाइन जहाँ जैसे हमारी करेंसी चेस्ट ब्रांच है वहाँ ड्यूटी पूरा ड्यूटी रहती है। आप एस बी आई के तरफ से उसमें एस बी आई में चर्चा होती है और सब लोगों के उन्होंने ऐसा बोला कोई आप जैसे नहीं पाया या किसी ने ऐसा नहीं जो सो दिया कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। ऐसा करूँगा आज की जो भी चर्चा हो तो आप लोग के संबंधित बैंक के जो रूरल ब्रांचेस के शाखा है उनको भी निश्चित रूप से आप लोग उसको मतलब सर्कुलेट कर देखिए। सबसे पहले हम लोग क्राइम पे आते हैं जो बैंकों से पैसा निकासी के समय या एटीएम से पैसा निकासी के बाद बैंक के उपभोक्ता के साथ कोई घटना हो जाती है उसके पैसे की छीनती हो जाती है सबसे ज्यादा गोरखपुर में ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं। एटीएम से तो इतना नहीं होता बैंकों से जब निकासी होती है तभी सबसे ज्यादा होता है। क्या कोई इस पर कोई प्रकाश डाल सकता है कोई? गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी नीलाब्जा चौधरी ने कहा देखिए आज प्रमुख जो भी नेशनलाइज और शेड्यूल बैंक है गोरखपुर के उनके साथ गोष्ठी की गई है और बैंक के वर्किंग के संबंध में अलग अलग सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और ये प्रयास किया गया कि बैंक और ग्राहक दोनों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कैसे किया जाए इस पर सुझाव बैंक के अधिकारियों से मांगे गए और हम लोग के तरफ से भी कुछ पहल उनको बताया गया जो वो अगर करेंगे तो आगे से हम लोग जो है बैंक सुरक्षा और बैंक के उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने में सफल हैं। फर्जी अकाउंट खोलने के लिए जो आधार से लिंकिंग की बात होती है बैंकों में हाँ सभी बैंकों ने ये बताया कि आज के तारीख में बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC कंप्लीट हो रही है तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो है इस टाइप के अकाउंट्स जो है खोलने पे रोक आएगी और जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो सुधरेंगे।
जिला सहकारी फेडरेशन के प्रबंध समिति के क्षेत्र पिपरौली भटक सरदारनगर व सहजनवा के सदस्यों का निर्वाचन 24 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक और मतदान तथा मतगणना एवं परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं 25 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक सभापति उपसभापति एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराकर तत्पश्चात मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्वाचन अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर बलराम सिंह ने बताया कि जिला सहकारी फेडरेशन मुरारिका मिल अली नगर की बिल्डिंग जर्जर होने व स्थान कम होने के कारण निर्वाचन क्षेत्र का मतदान व मतगणना न्यायालय कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। ये गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र पिपरौली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7, भटाट निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10, सरदार नगर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 व सहजनवा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 का निर्वाचन मतदान व मतगणना जो है दिनांक 24/4/2018 को समय प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक होना है और उसके पश्चात जो है मतगणना व निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसमें 13 जो है प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था जिसमें से 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं जिनका 19/4/2018 को घोषित किया जा चुका है। इन 4 क्षेत्रों का निर्वाचन जो है 24/4/2018 को 9 बजे से 3 बजे के बीच होना है, उसके पश्चात मतगणना की जाएगी और उसके बाद इनके परिणाम को घोषणा की जाएगी। दिनांक 25/4/2018 को प्रातः 8:30 से सभापति और उपसभापति का निर्वाचन प्रारंभ होगा और वो 4 बजे तक चलेगा और उसी दिन उनके निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर मुरारिका मेल अली नगर की बिल्डिंग जर्जर होने व स्थान कम होने के कारण उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान व मतगणना न्यायालय कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी व न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में होगा। उसी हिसाब से ये विज्ञप्ति जारी की गई है कि सभी मतदाता और सारे उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी गई है कि वो यहाँ निर्वाचन जो मतदान और मतगणना के लिए यहाँ उपस्थित है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह 21 अप्रैल को शाम 5 बजे जनपद में आएंगे। शाम 7 बजे से ग्राम स्वराज अभियान विकास खंड चरगावा में ग्राम विष्णुपुरा गांव में चौपाल लगाएंगे। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह गोरखपुर में चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। इस चौपाल में मंत्री धर्मपाल सिंह ग्राम बिशनपुर में नाली खड़ंजे के निर्माण की स्थिति, स्वच्छ शौचालय, पंचायत घर, स्कूल, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, उज्ज्वला योजना कनेक्शन के वितरण की स्थिति, राजस्व विभाग संबंधित अमल दराम, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्ति की स्थिति, स्कूल चलो अभियान की स्थिति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम की स्थिति, ग्राम में इंडिया मार्क का हैंडपंप, चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति, ग्राम में गेहूं क्रय केंद्र की स्थिति, कानून एवं व्यवस्था एवं ग्राम की शांति व्यवस्था की स्थिति, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड इंडिया योजना सहित कई बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह 22 अप्रैल की सुबह 7:45 बजे से विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने के बाद 8:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक शुक्रवार को महाप्रबंधक सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर महाप्रबंधक एस एल वर्मा, मुख्य राज्य भाषा अधिकारी एवं मुख्य इंजीनियर पी डी शर्मा, नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, लेखा परीक्षा, रेल दावा अधिकरण, सीमा शुल्क निवारक मंडल, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, वायुसेना, जीआरडी, रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालय, राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर, केंद्रीय विद्यालयों, पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय, बेतार अनुसरण केंद्र, कर्मचारी भविष्य निधि, खादी एवं ग्राम उद्योग उपकरण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड,
भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने राजभाषा के क्षेत्र में वर्ष 2017-18 के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वायुसेना स्टेशन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं नेशनल रीड कॉरपोरेशन को शील्ड प्रदान कर प्रोत्साहित किया। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइन पर। स्नातक प्रथम वर्ष गणित के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण मामले में जांच के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची एसटीएफ टीम, लगभग घंटों हुआ गहन मंथन, जल्दी होगा खुलासा। आईजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैंक अधिकारियों की बैठक, कहा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल स्थापित करके कार्य करें अधिकारी। गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन के प्रबंध समिति का चुनाव 24 और 25 को। शनिवार को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। रेलवे महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित। डाक विभाग कर्मियों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी, सीओ ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों का करे पालन, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है दुर्घटना का कारण। ग्राम स्वराज अभियान में चयनित गांव में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की भारत सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी पीएन शुक्ला ने दी जानकारी। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा चैन सिंह मंदिर में स्थापित हुआ भगवान हनुमान की प्रतिमा। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी एमएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा, 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एडीजी यातायात के निर्देश पर स्कूलों में छात्र व छात्राओं एवं ऑफिस में कर्मचारियों अधिकारियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को यातायात विभाग की टीम गोरघर स्थित हेड पोस्ट ऑफिस पर कर्मचारी एवं अधिकारियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर TSI जग नारायण मुख्य डाक घर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक के तीन भाग होते हैं, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक व्यवस्था। पहले आप जब सड़क पर जाएं उन्हें दाएं, बाएं और फिर दाएं देखकर ही आगे बढ़ें। इसके साथ ही जब जेब्रा क्रॉसिंग पर जाएं तो उसे क्रॉस ना करें जब तक सिग्नल हरा ना हो। इसके साथ ही कर्मचारियों को यातायात सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक प्रवीण सिंह ने बताया, पालन करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से पालन करिए तो मैं सही बता रहा हूँ, एक्सीडेंट नहीं हो सकते, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेलमेट लगाना बहुत समझते हैं, हेलमेट का असर में गिरे कम से कम बचा हो सकता, लेकिन नहीं लेते हैं और बच्चे चले जाते हैं, लौट जाते हैं। यहाँ के बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है और 25 से इधर, ये लड़कों के एक्सीडेंट ज्यादा हुआ है, किसके ऊपर चल हुआ है। ये लड़के गाड़ी ले लेते हैं, माता पिता दे देते हैं जिसके पास डीएल नहीं है, और वो गाड़ी अगर लिया तो 150 की रफ्तार में नीचे समझता है कि हमारी बेइज्जती हो रही समाज में। जी हाँ, हमारी बेइज्जती हो रही है। जब 150 की रफ्तार में चलेगा तब कहेगा कि हमको हमारी हमारी भी इज्जत बन रही है, माता पिता की तो बनी रही है, गाड़ी भी हाँ माता पिता की तो बनी रही है, तो माता पिता जो जनमानस जो कह रहा है तो सुनाई दे रहा है।
इनकी भी हो रही है। इसमें भी अगर गाड़ी उनकी पा गए मैं तो किसी कीमत में छोड़ता नहीं, मैं उनकी गाड़ी सीज जरूर करता अगर तीन सवारी। एक और आया है किस तरह की गाड़ी चला रहे हैं आजकल, ऐसे चला, ये पता नहीं कौन तरीका आ गया है ऐसे चलाने का, ऐसे वाहन चलाने, ऐसे चलाने से, तेज गति चलाने से दुर्घटना हो सकती है, निरीह लोगों की दुर्घटना हो जाएगी, वैसे लोग हो जाएगी जिनकी कोई गलती मोबाइल फोन वगैरह, हाँ जी मोबाइल फोन में लगा लिए, ऐसे कान में लगाए चले जा रहे हैं। अरे उपेंद्र भैया कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उपेंद्र भैया का कान में चप्पा है, सुनाई दे रहा है कि हमारी बात सुने उपेंद्र भाई की क्या कह रहे हैं। और एक और खतरा है, कान में लगाए उपेंद्र को बुलाने को नहीं सुनते, अगर साल बाद कंटिन्यू लगा दीजिए तो इसे उपेंद्र को कुछ सुना, इससे बचना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा हम सभी लोग कर्मचारी अधिकारी हैं, भदोही में बच्चों को लेकर जा रहा था, मानव रही क्रॉसिंग पार नहीं, और कान में फोन लगाने की वजह से एक्सीडेंट बड़े पैमाने पर से हुआ, बच्चे मरे, इससे वंचित रहना, इसको रोकना हम सभी को, ये मेरा ही काम नहीं सब लोग का काम है, सभी भाइयों का काम है, सभी लोग इसकी ध्यान दें। हमारे चौराहे दो तीन चौराहे जिसमें ये लाइट से सीमत चलता है, लाइट व्यवस्था जैसे आपको गोल घर, गोल घर की स्थिति देख लीजिए, आने वाले हैं बाएँ वाला रोड अपने देते हैं, बाएँ पर जाना है, बाएँ के लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, बाएँ हरा हम चलता बाएँ, बाएँ रास्ता जाना है और उनको जाना है दाहिने जी, तो जगह नहीं मिला तो बाएँ खड़े हो गए। अच्छा मिला, और दूसरी बात रेड लाइट हो गया है, जब रेड लाइट हो गया है तो आपको स्टॉप लाइन पर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन करते का है धीरे धीरे ताकते रहते हैं, मोहंगा उधर है, मैं उधर देख रहा है, धीरे धीरे आप सड़कते सड़कते जहाँ सिपाही आए लेन पर रेगुलेट करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, जब तक तब तक इधर वाला ग्रीन हो गया आ रहे हैं, खड़े हैं उधर वाले यहाँ कुर्सी में लगते हैं, झगड़ते हैं उठते हैं बोलते हैं, ये चीज़ से बचना तो समझा देंगे तो आपको उल्टा बोलने से रॉन्ग साइड चलते हैं, मार करने के लिए तैयार हो जाएगा, हाँ मार करने के लिए बैंक रोड से आते हैं रोड पे, हाँ वहीं से वह प्रेसिडेंट होटल है दाहिने मुड़ जाते हैं, अगर दाहिने मुड़ गए तो नहीं रहना चाहिए, गलत है वहाँ साइड चलना बिल्कुल गलत है, लेकिन चले गए तो धीमी गति से चला सर, वहाँ व्यर्थ होकर रखता क्योंकि उनकी अनुमति चलने की जी बनना रही कि पुलिस आए आपकी चलान करे तब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेंगे, ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और बीमा लेंगे, ये नहीं निर्भर हम स्वयं काम करना चाहिए, हर व्यक्ति का चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो किसी विद्यालय का हो, कहीं भी कार्यालय का हो, चाहे किसी पुलिस विभाग का हो, सभी के लिए है कि हेलमेट लेकर के चले, नशे के हालत में वाहन न चलाए, एयरफोर्स का प्रयोग न प्रयोग न करें, बिल्कुल ये जागरूकता अभियान शासन के स्पष्ट निर्देश के काम में डीजी ट्रैफिक एडीजी साहब के निर्देश में ये चलाया जा रहा है, जिसमें हम स्कूलों के अलावा जो प्राइवेट संस्थान हैं और अन्य जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ भी हम डेली किसी एक संस्थान को चुन रहे हैं, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं, वहाँ जो भी अभिभावक आ रहे हैं या तमाम तरह से जो भी प्रचार माध्यम है उन माध्यमों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को कि लोग ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, इसको हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर काम किया। ग्राम स्वराज अभियान में चयनित सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम चकदैया बरही जंगल मठिया गौनर एवं तीहा में भारत सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी पीएन शुक्ला आरएस वर्मा द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर अभियान की 16 योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही सभी ग्रामीणों का ग्राम स्वराज अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से संचालित योजनाओं के संबंध में अवगत कराया गया। इस दौरान जिला स्वच्छ भारत में प्रेरक प्रदीप अग्रहरी एवं अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एलपीजी के लिए जो गैस कनेक्शन लेना है उसके लिए जो पात्र लोग हैं उसके लिए आप लोग इस दौरान आपके यहाँ पे कैंप लगेगा,
साथ ही साथ आपका जनधन योजना है जो आपने इंश्योरेंस के दो स्कीम्स है उन सब के लिए करें। और सबसे ज्यादा शुक्रवार को मिर्जापुर स्थित बाबा चैन सिंह मंदिर में स्थापित महावीर हनुमान की प्रतिमा का विधिवत मंत्रोच्चारण कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मंदिर के व्यवस्थापकों, कथावाचकों, मंदिर पुजारी और श्रद्धालुओं ने बाबा चैन सिंह मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया। मंदिर परिसर में महिलाओं ने देवगीत भी गाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के व्यवस्थापक पंडित सोमनाथ ने कहा, यहाँ पर रामायण का पाठ अभी पूर्णावती हुआ है और बाबा चैन सिंह के प्राचीन मंदिर पर हनुमान जी की नई मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगा। भव्य रूप से एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है। हम लोग यह मंदिर जो है सैकड़ों वर्ष पुराना है, बाबा चैन सिंह क्रांतिकारी पुरुष थे। क्या मान्यता है इस मंदिर को? यह मंदिर लोग बताते हैं कि बाबा के बुलाने पर यहाँ देवराहा बाबा भी एक समय आए थे और उनके द्वारा यहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। उनके आशीर्वाद से यह मंदिर आज चिरकाल से जनता को अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, दे रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग एमएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह शुक्रवार को विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से भौतिकी विभाग के
अध्यक्ष प्रोफेसर सुग्रीव नाथ तिवारी, प्रोफेसर लल्लन यादव, प्रोफेसर उमेश यादव, प्रोफेसर शांति रस्तोगी सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह के दौरान मौजूद छात्र छात्राओं ने गीतों पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की। इस अवसर पर शिक्षकों ने MSc द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जाते जाते एक नजर और डालते हैं आज की हेडलाइन पर। स्नातक प्रथम वर्ष गणित के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण मामले में जांच के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंची STF टीम। लगभग घंटों हुआ गहन मंथन, जल्दी होगा खुलासा। IG की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैंक अधिकारियों की बैठक, कहा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल स्थापित करके कार्य करें अधिकारी। गोरखपुर जिला सहकारी फेडरेशन के प्रबंध समिति का चुनाव 24 और 25 को। शनिवार को गोरखपुर आएंगे प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह। रेलवे महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किया सम्मानित। डाक विभाग कर्मियों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी, CO ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों का करे पालन, थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है दुर्घटना का कारण। ग्राम स्वराज अभियान में चयनित गांव में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की भारत सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी PN शुक्ला ने दी जानकारी। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा चैन सिंह मंदिर में स्थापित हुआ भगवान हनुमान की प्रतिमा। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी MSc द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। इस बुलेटिन में अब इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।